देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को अब अपने इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल कई डॉक्टर्स एसोसिएशन, अस्पताल और नर्सिंग होम्स ने सरकारी योजना के तहत हो रहे कैशलेस इलाज को रोकने की धमकी दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों, पेंशन भोगी और उनकी फैमिली के इलाज पर हो रहे खर्चे का भुगतान समय से नहीं कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों के करीब 1000 करोड़ रुपए के बिल सरकार पर पेंडिंग चल रहे हैं, जिसके चलते ये धमकी दी गई है।